आलोक राज मतलब 9 AM सुबह 9 बजे बोर्ड के ताले खुल रहे हैं। क्या अक्टूबर सितंबर और अक्टूबर में वो 6 परीक्षाएं होंगी? तो उसके लिए हमने कल ही विज्ञप्ति जारी की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप मैसेजेस पर लोगों के बातचीत के ऊपर विस्परिंग कैंपेन पर विश्वास ना करें। जब भी कोई शंका हो, जब भी कोई सवाल अपने मन में खड़ा हो, आप हमारी जो वेबसाइट है आप उसी को देखें, जो हमारी अधिकृत वेबसाइट उसको देखें, और जो भी कोई सूचना होगी किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, डेट के बदली के बारे में, कुछ भी उस पर आपको मिलेगी और वो बिल्कुल सही होगी। CHO की बहुत ज़्यादा मेरे पास डिमांड आती है कि आप CHO को लेकर। नहीं, आपकी बात मैं इस बात से वाकिफ रखता हूँ कि जो बच्चे परेशान हैं और उनके मन में शंका है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, दोबारा होगा कब होगा, तो अभी चूँकि ये कि ऐसा मामला है जैसे अंदर कुछ गलत हुआ है या उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो वो किस हद तक हुआ है, उसका क्या मैग्नीट्यूड था और उसकी तय तक जाना बहुत ज़रूरी है कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि जो भी डिसीजन लेंगे उससे कुछ बच्चों को फ़ायदा हो, कुछ को नुकसान होगा। तो हम नहीं चाहते कि जो हमारे काबिल बच्चे हैं, काबिल युवा हैं जो कि इसके लिए सेलेक्ट होने चाहिए थे, उनकी जगह दूसरे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। ज्वाइन करते ही सबसे बड़ी चुनौती 48,000 पदों पर आयोजित हुई अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 का परिणाम, जिसको अंतिम परिणाम को लेकर काफ़ी समय से मांग हो रही है। कब तक उम्मीद करते हैं कि सौगात मिलेगी? तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये प्रक्रिया है वो जारी है, डॉक्यूमेंट वैलिडेशन की, रिजल्ट्स को चेक करने की और फीड करने की, ये प्रक्रिया जारी है। लेकिन कोई भी टाइमलाइन देना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि आप टाइमलाइन दे दें और टाइमलाइन आप मीट नहीं कर पाएँ तो उसका फिर गलत नुकसान होता है। तो सिर्फ ये आप कह सकता हूँ, आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि हमारा पूरा जो स्टाफ है इस बात से वाकिफ़ है कि इसको जल्दी करना है और उसमें लगे हुए हैं। एक शायद एक मामला आपके संज्ञान में आया होगा, PTI भर्ती पर 10 महीने हो गए हैं, स्पोर्ट्स कोटे के सर्टिफिकेट को लेकर एक पेज अटका हुआ है, उसकी वजह से ये भर्ती अभी तक की रुकी हुई है। तो चूँकि PTI का एक ऐसा मामला था जहाँ पर कि काफ़ी सारी तहकीकात की जाती है सर्टिफिकेट्स की, कि कोई सर्टिफिकेट गलत ना हो, नाकाबिल बच्चा सेलेक्ट ना हो जाए, और उसी की वजह से अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग जगह पर, डिपार्टमेंट के लेवल पर, हमारे लेवल पर तहकीकात होती है, और कई बार जब शंका होती है तो हम उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी मदद देते हैं, और उसी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिजल्ट्स लेट हो जाते हैं, और शायद इसी के साथ में ये भी हुआ है। तो इसमें कुछ ऐसे केसेज जिनको दोबारा चेक करना था और वो प्रक्रिया भी चल रही थी और चल रही है,